आज हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए कोलाड़, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारा फन। स्टार्ट भी है, थैंक यू। बल्लाश्वर गणपति टेम्पल और ये है अष्ट विनायक में गिना जाने वाला एक टेम्पल। तो जब हम अष्ट विनायक यात्रा करते हैं उसमें 8 गणपति के टेम्पल जो पुणे के अराउंड हम लोग घूमते हैं तो ये उसमें से एक है। तो अंदर तो आई थिंक फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगा मंदिर के, बट ये रास्ता है जाने का। बाहर पार्किंग है जहाँ हमने गाड़ी पार्क किया अपना, और अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे कैंपिंग के लिए। तो उसको मतलब सब लोग उसके भक्ति पे नाराज रहते हैं, मम्मी डैडी वगैरह। तो फिर वो बच्चा झाड़ के नीचे बैठ के गणेश जी की भक्ति करते रहता है, तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ पे प्रस्थापित हो जाते हैं। तो जब भी, लेकिन ऐसी प्रथा बन जाती है कि जब भी कोई बल्लाश्वर का दर्शन करके आएगा तो पहले धुंडी विनायक का दर्शन करेगा। तो वो हिसाब से पहले धुंडी विनायक का दर्शन करने का, फिर बल्लाश्वर का दर्शन करेगा। ओके। Thank you.
से बना हुआ है, तो वो राइस का जो पोहा बनता है उससे बना हुआ है, राइट? थोड़ा स्पेशल है यार, स्पेशल। बटाटा पापड़, तंदूरी, दीज आर ऑल स्पेशलिटी हेयर। और ये क्या है? ये कोकम है, कोकम दाल में डालने का। सचिन खाने के लिए ऑर्डर कर रहा है और एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड खाएंगे आज हम। अभी ना वीडियो में उनको बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जा। ऑथेंटिक पिटला, चपाती, कुरमा, वटाण्याची भाजी आणि ही लसणी चटणी, ही भाकरी तांदळाची। ये भाकरी है? तांदळाची राईस का, राईस, राईस का भाकरी। ओके चलो। तो हम लोग आ चुके हैं ये रिवर राफ्टिंग और एक्टिविटीज पॉइंट पर, और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज होने वाली है, तो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर कैसा व्यू है। बहुत ही मजा आ रहा है इवनिंग के व्यू में। सचिन भाई बताओ इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं यहाँ? और कोलाड़ में बंजी जंपिंग है, रिवर राफ्टिंग है, कयाकिंग है, बनाना राइड है और बहुत सारी राइड है। तो आपको डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ओके, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। यस, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। कुछ पैकेज में आ रहे, कुछ पैकेज में, कुछ बिना पैकेज के। और देखो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे भी लोग एंजॉय करेंगे। सॉरी बट आपका एक मिनट आसपास है, बहुत ही सीनिक है। ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है तो और अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का सनलाइट है, वेदर भी थोड़ा कूल है। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं, लाइट तो सारी है भाई। पाय वरती कर, एल एल एल, हाँ छोड़ अरे एक उल्टा एक सुल्टा, अरे एक एक साइड में एक वो साइड में।
आ गया है हमारा इवनिंग स्नैक्स, नांदी भजिया और उसके साथ गरम गरम अदरक वाली चाय। हम सब टूट पड़े हैं इसके ऊपर क्योंकि बहुत भूख लग रही थी एक्टिविटीज करने के बाद, सारे भूखे हैं एकदम। और अच्छे से हम लोग भजिया खाएंगे और चाय पियेंगे और फिर कैंपिंग का मजा लेंगे। तो आपको थोड़ा सा कैंप घुमाता हूँ कैसा है। ये यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ पर कैंपिंग एरिया है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। तेरे ब्लॉग पे सचिन का ब्लॉग है ये। तेरे ब्लॉग पे मैं आऊंगा बस। स्पॉन्सर्ड बाय सचिन। तो भाई सुबह के हो गए 5 और 5 बज चुके और नींद तो बहुत ज्यादा नहीं आई क्योंकि ठंडी हो रही थी बहुत। यहाँ टेम्परेचर है अभी 14 डिग्री और हमने किया था दुनियादारी और हमारी तो लग गई। सचिन भाई उठ गए। चलो उठो, 5 बज गए। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और अब थोड़ा सा हम सोच रहे सो लेते हैं थोड़ी देर, तुम लोग राफ्टिंग करके आओ। सुबह सुबह 8 बजे राफ्टिंग करेंगे तो कैसा रहेगा। देखो सचिन जो है आग का इंतजाम कर रहा है वापस। ठंडी हो रही है बहुत, अब हो रही है सही तापने वाली ठंड जो है। क्यों भाई? अरे इधर हाथ रख। हो गई शाम, जाने दो, जाना है अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाओगे। ढल गया दिन हो गई। ऊपर ऊपर से देखो ऐसे, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अब थोड़ा झुका, झुका मोबाइल को, झुका टेढ़ा कर। हाँ गिर जाएगा बे अंदर, वीडियो होता है। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, तो हमारे लिए सबसे पहले स्पेशली तैयार किया गया है पोहा। क्या बात है, क्या बात निकलने वाले हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ, वेदर बहुत कोल्ड है
ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज टेम्परेचर है, बट हमारे फ्रेंड्स लोग करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको रिवर राफ्टिंग साइट पे और दिखाते हैं भाई ये लोग कितना एंजॉय करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा कैंपिंग वाला प्लेस है, चारों तरफ टेंट ही टेंट दिखेंगे। Hi. Hey. You guys joining for that? Yeah, okay, okay.
ऐसा है क्या? गारंटी का माल है, ऐसे नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करे। बहुत तुम्हारा भी लेंगे यार, ऐसा थोड़ी है कोई। पूरी तुम्हारे में है, इसके में सिर्फ चावल है।